हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नो कोचिंग नो टेंशन। जी हाँ दोस्तों, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल कोचिंग की तरह। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अपने अगले टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th गणित। हाँ दोस्तों, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.4, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.4 का दूसरा प्रश्न बताने वाले हैं। इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न बताएंगे आपको। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ से एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दो शून्यकों के साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 हो। तो हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद इस प्रकार होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में घात का मैक्सिमम घात 3 होना चाहिए। तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहां से आप देखिए, कर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है? 2। हाँ दोस्तों, शून्यकों का योग 2 है। तो शून्य क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, माने तो शून्य अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, कह रहा है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग -7 है। तो दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग बोल रहा है, यानी दो शून्य को एक साथ गुणा करेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर -7 दिया है। फिर कह रहा है दोस्तों, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः -14 है। हाँ दोस्तों, तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर -14। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम आगे जो लिखेंगे, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो आगे हम क्या लिखेंगे उसको देखिए। हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b अपान ए। दोस्तों हाँ, आपको हम पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b अपान ए। अब दोस्तों यहां से देखिए, अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर 2 है, तो यहां से बी बराबर क्या आएगा? हम किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो -b बराबर 2। तो यानी कि बी यहां माइनस है, तो यहां पर -2 हो जाएगा, बी बराबर -2। फिर दोस्तों दिया है, अब यहां से ए भी निकाल सकते हैं, ए बराबर 1। तो अभी देखिए, हम यहां से आपको बता रहे हैं, तो इसको आप रखिए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए। तो दोस्तों दिया है -7, हम किसी भी संख्या में 1 का भाग कर सकते हैं, तो सी बराबर -7 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर -d अपान ए होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो -d अपान ए का मान, अल्फा बीटा गामा का मान -14 दिया है, इसको बटे 1 हम कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो हमको क्या आया? अतः d बराबर, यहां से आप देख सकते हैं d बराबर आपका क्या आया है? -है, तो -, d बराबर 14 आया है। और कुछ आया है? हाँ दोस्तों, a बराबर यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, इसका मतलब a बराबर कितना आया है? 1 आया है। तो अब चलिए दोस्तों, हम यहां से आपको समझाते हैं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो को समीकरण 1 माने हैं।
ए बी सी डी का मान हमको मिल चुका है। यहां से देखिए बी सी डी ए का मान हमको, इसी मान को समीकरण एक में रखकर अपना त्रिघात बहुपद निकालना है। तो चलिए अब हम अपने समीकरण में इस मान को रखते हैं। तो लिखिए ए बी सी और डी को समीकरण एक में रखने पर, आई होप इतना आप समझ चुके होंगे। अब समीकरण एक में आप रख दीजिए, यहां से आप समीकरण एक उतार लीजिए पहले। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, इसी में ए बी सी का मान यहां से रख लीजिए। ए का मान एक है तो यहां पर एक एक्स क्यूब, तो यानी कि एक में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना है -2 है, यहां से आप एक लिख सकते हैं, बी का मान -2 है एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस सी का मान -7 है एक्स है तो एक्स लिख लीजिए, प्लस डी का मान 14 है तो 14 लिख लीजिए बराबर जीरो। तो आपका एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, एक का गुणा करने पर संख्या वही रहता है, प्लस माइनस -2 एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस -7 एक्स है, प्लस 14 है, उसको आप ऐसे लिख लीजिए बराबर जीरो। आपका त्रिघात बहुपद यहां से निकल के आ गया, एक्स क्यूब -2 एक्स स्क्वायर -7 एक्स प्लस 14 बराबर जीरो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, और जो समझ में न आए कमेंट में लिखिए, हम आपको अगले वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाँ दोस्तों प्रश्न 3 आ चुका है। चलिए प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब -3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हाँ दोस्तों एक्स घात 3 ऋण 3 एक्स घात 2 धन एक्स धन 1 के शून्य ए माइनस बी ए ए प्लस बी हो तो ए और बी ज्ञात कीजिए। हाँ दोस्तों इसमें ए और बी ज्ञात करना, न कि इसमें इसमें से न इससे हमसे मतलब नहीं है, हमको मतलब है इन ए और बी से। तो अब ए और बी ज्ञात करना है, तो दोस्तों इसमें 3 शून्य दिया गया है, तो आप लिखिए हल में बहुपद के शून्यक हैं। तो दोस्तों बहुपद के शून्यक हैं क्या, दोस्तों आपको दिया है यहां से a माइनस बी ए ए प्लस बी। अब आप बहुपद के शून्यक लिख चुके हैं, अब इसमें a और b का मान पूछ रहा, तो आप लिखेंगे शून्यकों का योग, जानते होंगे शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी अपाने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपाने होता है। तो यहां से आप देखिए शून्य, तो यहां पर 3 शून्य दिए गए हैं, तो इन शून्यकों का योग आपको निकालना है। अल्फा ए माइनस बी, दूसरा प्लस करके लिखिए ए, फिर तीसरा प्लस करके लिखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी अपान ए। ये माइनस बी अपान ए से आपको यहां से मतलब है, आप यहां से निकाल सकते हैं ए का मान क्या आएगा एक, क्योंकि यहां पर देखिए कुछ नहीं है, बी का मान क्या आएगा -3, सी का मान एक स्थान कुछ है नहीं एक आएगा, डी का मान तो एक यहां पर दिया गया है। तो अगर आप नहीं समझ पाए तो इसको आप लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर। तो इसको जब आप इससे तुलना करेंगे तो आपका यही निकल के आएगा। तो यहां से आप देखिए बी बी कट जाएगा, 1 2 3 ए ए जुड़ के 3 ए हो जाएगा, माइनस बी तो माइनस बी का स्थान पे -3, माइनस बी का स्थान पे -3, तो बी माइनस माइनस से कट जाएगा, बी बराबर 3 हो जाएगा, ए का स्थान पे 1 है तो बटे 1। आप यहां से देखिए ये 3 1 के 3 कट जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा 1 1 9,
एक का मान आपको एक आ चुका है। अब चलिए आप बी का मान निकालिए, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ए माइनस बी। हाँ दोस्तों, इन्हीं का गुणा करना है, और ए फिर ए प्लस बी बराबर होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस डी अपान ए। आपको इसको याद रखना होगा। तो यहां से आप देख लीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ए को ऐसे लिखिए माइनस डी अपान ए, माइनस डी, माइनस डी, डी का मान एक है तो माइनस है, तो माइनस से ए का मान भी एक है, तो आप ए का मान यहां से देख लीजिए एक है तो एक लिख लीजिए। तो आप फिर देखिए, हम आपको आगे बताते हैं। तो अब आप यहां से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी आप इसमें गुणा करेंगे, तो ए स्क्वायर है एक और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए का घात 3। अब यहां से देखिए, माइनस है बी स्क्वायर ए है तो बी स्क्वायर ए लिख लीजिए बराबर एक का इसमें भाग करेंगे तो यही आएगा। यहां से आप देखिए ए बराबर क्या आया है, एक आया है, इसमें आप ए बराबर एक रख दीजिए। तो लिखिए ए बराबर एक रखने पर, इसमें आप ए बराबर एक रखने पर, तो इसको आप समीकरण एक भी मान सकते हैं। तो समीकरण एक में ए बराबर एक रखने पर, तो आप यहां से देखिए ए के स्थान पे एक रखिए, क्यूब माइनस बी स्क्वायर गुणे ए के स्थान पे एक माइनस एक। आप ए का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा, बी स्क्वायर का नम बी स्क्वायर ही होगा, माइनस एक है लिख लीजिए। इसको आप बी स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे माइनस एक को ऐसे, ये एक जब इधर आएगा, ये एक जब बराबर किधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ दोस्तों, माइनस एक हो जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक, माइनस एक क्या हो जाएगा, माइनस दो, माइनस माइनस कट जाएगा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, यहां से देख लीजिए बी बराबर स्क्वायर है, स्क्वायर टाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो दोस्तों आपका यहां से देखिए ए का मान यहां पर निकल के आ चुका है और बी का मान यहां से निकल के आ चुका है। अगर आपको वीडियो लेना है, कैप्चर करना है यानी कि स्क्रीनशॉट लेना है, तो वीडियो को आप पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को रोक कर आप नोट बनाते चलिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो ना समझ में आए तो एक बार रिपीट करके दोबारा वीडियो आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और नोट बनाते चलिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आ चुका है। यदि बहुपद एक्स घात 4 ऋण 6x घात 3 ऋण 26x घात 2 धन 138x ऋण 25 को 2 शून्य 2 प्लस माइनस, हाँ दोस्तों 2 धन ऋण करणी 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये दिया है, इसके 2 शून्य की ये दिया है। अब इस पे घात 4 है यानी कि इस पे शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। तो 2 तो दिया है और 2 हमको निकालना है, तो चलिए हम उन दोनों शून्यकों को निकालते हैं। तो आप लिखेंगे माना बहुपद के 2 शून्य यहां पर प्लस माइनस, यानी कि इसमें 2 शून्य जो है वो पहले आप लिखिए माना बहुपद के दो शून्य दिया, x बराबर एक हो गया 2 धन कर्णी 3, और दूसरा x बराबर हो जाएगा माइनस, नीचे दिया गया है तो 2 माइनस कर्णी 3। आप यहां से देख रहे हैं एक तो ये आया और दूसरा ये, तो आप जब इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ x माइनस, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो x माइनस, तो आपका क्या होगा ये दोस्तों देखिए, x माइनस जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 धन माइनस करके ऐसे लिखते हैं ना दोस्तों। अब इसी को तो आप लिखते हैं क्या, जब शून्य निकालना होता तो इसको 0 के बराबर करके बराबर 0 करते इसको इधर लेकर आते हैं, तो हम इसको ना ऐसे लिख सकते हैं माइनस, ये वाला माइनस कर दीजिए और इसको भी माइनस करके आप लिख लीजिए x माइनस 2 माइनस कड़ी 3।
आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों, आप यहां से माइनस जितने भी शून्य के सभी में माइनस लगा के आप लिख सकते हैं। अब दो शून्य दिया, दोनों शून्यों का गुणनफल करेंगे तो गुणा करेंगे तो हमारा जो आएगा गुणनखंड आएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप इतना आपको समझ में आता होगा। इसको आप इधर लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा, और इसको भी इधर लेकर आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, शून्य निकालना, चलिए हम इसको आपस में गुणा कर देते हैं। तो चलिए अब आगे आपको हम समझाते हैं। आप यहां से देखिए, यक्स को ऐसे लिखेंगे, ये माइनस दो हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस माइनस कड़ी तीन। इसमें देखिए यक्स को ऐसे लिखेंगे, माइनस दो हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कड़ी तीन, माइनस माइनस प्लस कड़ी तीन। अब आप यहां से समझिए, यक्स माइनस दो, यक्स माइनस दो को अलग कर लीजिए और फिर माइनस कड़ी तीन, यक्स माइनस दो प्लस कड़ी तीन। अब यहां से देखिए, इसको हम ए मान सकते हैं और इसको बी। हाँ दोस्तों, इसको ए मान सकते हैं, इसको बी। अब यहां से देखिए, ए प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, यहां से देख लीजिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से आप देखिए, ए के स्थान पे क्या है, एक्स माइनस टू इसका स्क्वायर माइनस, यहां से माइनस होता है, बी के स्थान पे करड़ी तीन है तो करड़ी तीन का स्क्वायर। तो आप यहां से देख सकते हैं क्या आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी खुल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर दो का स्क्वायर करेंगे माइनस टू ए बी, दो दूनी चार एक्स, दो दूनी चार एक्स। इसी प्रकार माइनस कड़ी तीन का वर्ग करेंगे तो कड़ी हटके तीन हो जाएगा। यहां से देखिए, टू ए बी करेंगे, टू ए बी दो दूनी चार एक्स, इसलिए यहां पर लिखे। आप यहां से फिर देख सकते हैं कि यहां एक्स का स्क्वायर दो दूनी चार माइनस चार एक्स माइनस तीन, या एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स, चार में तीन गए प्लस एक। तो दोस्तों आपका ये क्या आया है, इन शून्यकों का गुणनखंड, इन शून्यकों का गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक आया है। तो ये बहुपद हमारा आ चुका है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक। तो आप क्या करेंगे, इसमें इन संख्या में इस बहुपद में आपको इतने से अगर भाग करेंगे तो जो बचा शून्यक होगा वो शून्यक आपको मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे इनसे इसमें भाग करने पर, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्टली भाग करिए, क्या करना है, इससे इसमें भाग करेंगे तो आपका अगला शून्य आ जाएगा। तो आप चलिए लिखिए, यहां से आप उतार लीजिए, दिया है एक्स पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव। आप इसका भाग करेंगे, इसका भाग इससे करेंगे, एक्स पावर फोर माइनस फोर एक्स पावर टू माइनस फोर एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक से आप भाग करेंगे। तो आप भाग करके अपना शून्य निकाल सकते हैं। तो आपको पहले भी वीडियो में भाग बताया था शानदार तरीके के साथ, चलिए इसमें बताते हैं कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यक्स पावर चार है, यहाँ पर दो है, कितना कम है, दो कम है, तो यहाँ पर दो यक्स लिख लीजिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर चार है, यहाँ पर दो है, कितना कम है, दो कम है, तो दो आप लिख लीजिए। अब देखिए, यक्स स्क्वायर, यहाँ यक्स स्क्वायर, तो दो दो चार हो गया, माइनस है तो माइनस लिखिए। यहाँ पर यक्स घात दो है, यहाँ पर चार यक्स है चार, तो ऐसे लिखेंगे, एक यहाँ पर दो यहाँ पर तीन हो गया घात, प्लस प्लस लिखिए, यक्स स्क्वायर इकन्नम यक्स स्क्वायर। आप जानते हैं इन सभी को माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाता, चिन्ह चेंज हो जाता है, आप इसको इससे काट सकते हैं। अब देखिए, यहां से माइनस छ एक्स क्यूब प्लस यहां पर हो गया है चार एक्स क्यूब, तो छ में से चार निकालेंगे, माइनस ज्यादा तो माइनस लिखिए, छ में से चार गए दो एक्स क्यूब, माइनस है यहां पर भी माइनस है तो माइनस लिखिए, छब्बीस एक सत्ताईस, छब्बीस एक्स स्क्वायर एक सत्ताईस एक्स स्क्वायर। आप इन सभी को उतार लीजिए, 138 एक्स माइनस 35, दोस्तों 138 एक्स और माइनस 35 उतार लीजिए ऐसे ही।
यहाँ पर देखिए x का क्यूब है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 नहीं है, इसलिए आप पहले -2 को लिख लीजिए। यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, एक x कम है, एक x अपना आप लिख लीजिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 -2 है, तो -2 आप लिख लीजिए, x यहाँ है, 2 यहाँ, तो एक 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, एक यक्ष यहाँ, एक यक्ष यहाँ, 2 ठेत स्क्वायर कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 2 एक के 2 यक्ष। अब माइनस वाला प्लस करिए, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, आप इसको इससे कट जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, 2x³ प्लस 2x³, माइनस प्लस कट जाएगा। आप यहाँ देखिए 18, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस से जुड़ जाएगा, 27 8 कितना होता है 35, तो माइनस है, तो -35x², यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ प्लस लिखिए, 138 दो जोड़ेंगे तो 140x हो जाएगा, -35 ऐसे लिख लीजिए, 138 में दो जोड़ेंगे 140, -35 से लिख लीजिए। अब देखिए आप यहां से, यहाँ x³ है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर -35 है, यहाँ पर -35 तो है नहीं, तो आप -35 लिख कर अपना हल कर सकते हैं, तो -35 लिखिए, x यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर अपना लिख लीजिए, फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 35 चौका 140, x को आप ऐसे, यहाँ पर x है तो x को ऐसे उतार लीजिए, माइनस प्लस माइनस 35 1 के 35, तो आप देखिए माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया। आप इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे काट सकते हैं, क्योंकि चिन्ह जो है वो चेंज है, तो आपका जो भागफल आया क्या आया, ये आया। अब यही भागफल को हम सॉल्व करके अपना अगला 2 शून्य निकाल सकते हैं। इससे पहले 2 शून्य हमको पता है, यहां से देखिए 1 शून्य के 1 शून्य के, अगला 2 शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इस भागफल का हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला 2 शून्य निकालने के लिए इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो x² - 2x - 35 का गुणनखंड करिए आप, तो आप देखेंगे कि इसको गुणनखंड जब करेंगे बराबर 0 कर सकते हैं, शून्य है ना, यहाँ पर एक कटने के बाद 0 आया है, तो आप शून्य में 0 कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 7 5 35, यहाँ पर माइनस रहेगा तो घटाने पर 2 आना चाहिए, और प्लस रहेगा तो जोड़ने पर, माइनस है 7 5 35, दोस्तों 35 को हम 7 × 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 है, 2 को क्या लिखेंगे, 7 - 5, 7 में 5 गए 2, 7 5 35, हाँ दोस्तों ऐसी संख्या लेना जो गुणा करने पर 35, घटाने पर 2 आए, तो 7 और 5 परफेक्ट है, तो आप लिख लीजिए 7 - 5, यक्स को लिखिए -35 = 0, तो x² - 7x, हाँ दोस्तों यक्स का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x - 35 = 0, यहाँ से देखिए यक्स है तो यक्स कामन करिए, x - 7, यहाँ से प्लस 5 कामन करिए दोनों में, तो 5 कामन हो जाएगा, तो यक्स बचेगा यहाँ पर 5 7 35 = 0, यहाँ से देखिए x - 7 दोनों में है, तो x - 7 कामन कर लीजिए, बचा क्या, x + 5 = 0। आप यहाँ से देखिए x - 7 = 0 करेंगे, यहाँ दोस्तों ये गुणनखंड हो चुका है, तो या तो x - 7 = 0, तो x - 7 इधर आके +7 हो जाएगा, और फिर या x + 5 = 0 करेंगे, तो x = ये +5 इधर आके -5 हो जाएगा, आपका अगला 2 शून्य यहाँ से निकल चुका। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार आप फिर से देख लीजिए, यहाँ से आप यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट, ऐसे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बार समझने की कोशिश करिए, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हमको पता चले आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।